हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कंप्यूटर अकेडमी। माई सेल्फ ममता सोनी, फैकल्टी ऑफ साइंस। सेवेंथ क्लास में जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, डाइजेशन इन रोमिनेट्स। सेवेंथ क्लास में आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन रोमिनेट्स। रोमिनेट्स को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। रोमिनेट्स का मीन्स होता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि घास को एज ए फूड के रूप में खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रोमिनेट्स। ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास को एज ए फूड के रूप में खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, रोमिनेट्स कहेंगे। तो आज हमें जो डाइजेशन कैसे होता है फूड का, वो हम स्टडी करेंगे रोमिनेट्स में। कहने का मीन्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे बैफलोज होते हैं, काऊ होता है, गोट होते हैं, ये एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रास को एज ए फूड के रूप में खाते हैं। तो इन एनिमल्स में उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसे हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि डाइजेशन इन रोमिनेट्स में व्हाट इज द रोमिनेट्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द रोमिनेट्स। रोमिनेट्स का मीन्स होता है, द एनिमल विच डाइजेस्ट द ग्रास फूड इन अ रोमेन पार्ट, दैट इज कॉल्ड रोमिनेट्स। ऐसे एनिमल्स जो कि, या हम ये कह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके स्टमक के रोमेन पार्ट में फूड का डाइजेशन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रोमिनेट्स कहते हैं। ये जो बैफलोज होते हैं, काऊ एनिमल्स होते हैं, आपने इनको कई बार एक जगह पे बैठे रहते हैं और ये क्या करते हैं, अपने माउथ को च्यू करते रहते हैं, यानी फूड को चबाते रहते हैं। तो ये जो माउथ उनके अंदर फूड की च्यूइंग करते हैं, ये उस टाइम पे भी फूड की च्यूइंग कर रहे होते हैं जब ये फूड को खाते नहीं है, मतलब इनके पास में कोई फूड रखा हुआ नहीं होता है, फिर भी अपने माउथ को चबाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपको ये बता दो कि जो बैफलोज होते हैं या फिर जो काऊ एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी ग्रास फूड होता है, क्या होता है, ग्रास फूड, इस ग्रास फूड को ये क्या करते हैं, इंग्लब कर लेते हैं। क्या करते हैं, इनको इंग्लब, यानी कि उसको, उस फूड को ये अपनी बॉडी में निगल लेते हैं और उसका क्या कर लेते हैं, ये स्टोरेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ पे करते हैं, इनके स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन पार्ट, ऑफ स्टमक, उसके अंदर ये उसका क्या कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। और रूमेन पार्ट में जो फूड जाता है, यानी जिस फूड को ये क्या करते हैं, निगलते हैं, उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। उस फूड को क्या करते हैं, रोमेन में जो फूड ये स्टोर करते हैं, रोमेन पार्ट में जिस फूड को स्टोर किया जाता है, उस फूड को हम कहते हैं कड। क्या कहते हैं, उसे कड कहते हैं। अब ये क्या एनिमल्स क्या करते हैं कि रोमेन से उस फूड को, उस कड को वापस कहाँ पे लेके आते हैं, स्टमक से इस कड को वापस लेके आते हैं, ये माउथ कैविटी में। कहाँ पे लेके आते हैं, माउथ कैविटी में, और फिर माउथ कैविटी के अंदर उसको क्या करते हैं, कंप्लीट ये उसको उसकी च्यूइंग करते हैं, उस फूड को ये चबाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में उसका डाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस की जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। माउथ कैविटी में फूड की जो च्यूइंग की जाती है, क्या की जाती है, च्यूइंग, किसकी की जाती है, फूड की। माउथ कैविटी में फूड की जो च्यूइंग की जाती है, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? रोमिनेशन। रोमिनेशन की प्रोसेस जिन एनिमल्स में पाई जाती है, या आप ये कह सकते हो कि द एनिमल्स विच परफॉर्म रोमिनेंस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रोमिनेंस। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रोमिनेंस कहते हैं। इसको हम वापस रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया है। हमने स्टडी किया है कि काउ है, बैफेलो है या गोट है, ये सभी ग्रास कॉर्न को क्या करते हैं? इनग्लव करते हैं। और इनग्लव करके उसका क्या करते हैं? अपनी बॉडी में स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज कहाँ पर करते हैं? स्टमक के रूमेन पार्ट में उसका स्टोरेज करते हैं। स्टमक के रूमेन पार्ट में उसका क्या करते हैं? ये स्टोरेज करते हैं। चलो यहाँ पे राइट कर देती हूँ। स्टमक के रूमेन पार्ट में क्या करते हैं? उसका स्टोरेज करते हैं। अब रूमेन पार्ट जो है उसके अंदर जो फूड स्टोर हुआ है, रूमेन पार्ट में जो फूड स्टोर होता है उसे आप क्या कहते हैं? कद कहते हैं। क्या कहते हैं? कद। यानी कि जो फूड इनग्लव किया गया उसका स्टोरेज होता है। स्टोरेज होता है कहाँ पर? स्टमक के रूमेन पार्ट में। स्टमक के रूमेन पार्ट में जो फूड स्टोर हुआ उसे आप क्या कहेंगे? कड कहेंगे। अब इस कड को वापस, इसका बैक मूवमेंट होता है, यानी स्टमक का जो रूमेन पार्ट होता है, स्टमक से वापस उसको कहाँ पे लाया जाता है? फूड को माउथ कैविटी के अंदर लाया जाता है। यानी कि ये वापस इस कड को कहाँ पे लेके आते हैं? माउथ कैविटी में लेके आते हैं। और माउथ कैविटी में इस फूड की वापस क्या होती है? च्यूइंग होती है। क्या होती है? च्यूइंग। अब ये जो फूड यहाँ पे इसकी च्यूइंग हो रही है, इस फूड को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेशन। और रूमिनेशन जो है वो जिस एनिमल्स में पाई जाती है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। अब देखो कि ये जो रूमिनेशन की प्रोसेस है, इसमें कौन से फूड कंपोनेंट का, ये कह सकते हो कि किसका डाइजेशन किया जाता है? रूमिनेशन में डाइजेशन होता है सेलुलोज का, क्योंकि ग्रास जो फूड होते हैं, घास जो होती है, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं? सेलुलोज। जो ग्रीन ग्रास होती है उसमें क्या कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सेलुलोज। इस सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, ओनली किसमें होता है? रूमिनेंट्स में होता है। ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। ये बैक्टीरिया ओनली किसमें पाए जाते हैं? रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं? इस सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। और ये बैक्टीरिया ओनली किसमें पाए जाते हैं? रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए जाते। किसमें पाए जाते हैं? ओनली रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूमिनेंट्स के जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके कौन से पार्ट में पाया जाता है? देखो, जो हमारा ह्यूमन बॉडी था जिसमें हमने डाइजेशन सिस्टम स्टडी किया था, उसमें हमारे जो सबसे लास्ट पार्ट हमने स्टडी किया था लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें देखो हमारे सिलेबस में नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन के आपको कितने पार्ट स्टडी करने हैं, लेकिन अपर क्लासेस में ये हम स्टडी करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका एक पार्ट होता है सीकम। कौन सा पार्ट होता है? सीकम। उस सीकम पार्ट में ये किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट होता है जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये बैक्टीरिया किसका डाइजेशन करते हैं? सेलुलोज का। और बैक्टीरिया जो है वो ओनली किसमें पाए जाते हैं? रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स या ह्यूमंस में ये अब्सेंट होते हैं। इस तरीके से जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उसमें ये जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन किया जाता है। रूमिनेंट्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी में इस फूड डाइजेशन के प्रोसेस के लिए यही प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। और सेलुलोज जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका डाइजेशन किया जाता है। तो आज हमारा ये जो हमने टॉपिक स्टडी किया है 7th क्लास में, ये टॉपिक आज हमारा लास्ट टॉपिक था।
इसके बाद में जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा वो हम स्टडी करेंगे अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, तो उसे हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।